मध्य प्रदेश रीवा में भाजपा विधायकों की संयुक्त पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। भाजपा कार्यालय रीवा में दोपहर 3 बजे विधायक नागेंद्र सिंह, गिरीश गौतम, पंचूलाल प्रजापति, दिव्यराज सिंह, केपी त्रिपाठी, श्यामलाल द्विवेदी, प्रदीप पटेल की संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रीवा सांसद जनार्द मिश्रा भी उपस्थित हुए। रीवा सांसद जनार्द मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जगह जगह पर धरना को लेकर किसान आक्रोशित हैं। वहीं आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने अपने विधानसभा में धरना दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के कान अब तक नहीं खुले हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 जनवरी को रीवा में बेहद आंदोलन करने की धमकी दी गई। जनता पार्टी की तरफ से माननीय विधायक गण आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पार्टी की तरफ से माननीय विधायक गण और हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जो झूठे वादे थे, एक वर्षों में जनता किस तरह से प्रताड़ित और परेशान है, और रीवा जिले में खासकर जितने भी योजनाएं थी विकास की, उन्हें जानबूझकर रखे रोका गया है, लटका दिया गया है, और प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले का किसान बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान है।